अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ और आप देख रहे हैं ALG इलेक्ट्रिक। तो जी गाइज, आज एक फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो जी गाइज, आज 10 इंच एंड्रॉइड टाइप को, तो इसका टच ख़राब हो चुका है, तो इसकी टच को रिमूव करेंगे और इसकी जगह पर नया टच को इंसर्ट करेंगे। तो पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका जो टच है, बाद में इसको रिपेयर करेंगे। तो जी गाइज, ये हम आपको बताते चलेंगे इसका जो टच है वो किस तरीके से, किस वजह से ख़राब हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वजह से ही इसका जो ऊपर वाला ग्लास है वो स्क्रैच हो चुका है, वो टूट चुका है। तो इसकी वजह से इसका जो टच है 12 वोल्ट है, तो गाड़ी में तो ये 12 वोल्ट पावर पे ऑन होती है, तो यहाँ पे हमें इस पर एक 12 वोल्ट का चार्जर से इसको रन करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम 12 वोल्ट का चार्जर को यूज़ कर रहे हैं, तो इसको जल्दी से ऑन कर लेते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं, जैसे ही हमारा ऑन होएगा, ये देखिए कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा। तो जैसे हम इसको चेक करेंगे, देखिए तो ये वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ से इसको की वगैरह लगने की वजह से ये इसका जो ग्लास ऊपर वाला वो ब्रोकिंग वो टूट चुका है, तो इसलिए इसका जो टच है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो यहाँ पे हम इसको इसका नया टच लगाएंगे। तो जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। तो पहले इसको पावर ऑफ करेंगे और बाद में इसको जल्दी से ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो जी गाइस, ये देखिए यहाँ पे हम अभी आपको दिखाते हैं जो हमने इसके लिए नया टच बाय किया है। या आप ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं, और नहीं तो आप किसी शॉप से जाके सेम इसी मॉडल का इसका जो टच है वो बाय करके बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो ये हमने बाय किया है, तो अभी हम इसको इसके ऊपर इंसर्ट करेंगे। पहले इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, तो जल्दी से ओपन कर लेते हैं और बाद में इसको लगा के आपको इसका रिजल्ट चेक करवाते हैं। तो जी गाइस, यहाँ पे ग्लू लगी होती है, तो आप किसी भी चीज़ से अगर इसको थोड़ी सी हीट देते हैं, जैसे ही तो ड्रायर से अगर आप इसको थोड़ा सा हीट देते हैं, तो ये ग्लू बहुत आसानी के साथ आप इसको ऐसे इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से निकाल लिया है, और जो हमारा नया वाला था वो हमने इसके ऊपर लगा दिया है। ऑलरेडी इसके ऊपर ग्लू लगी हुई थी, तो हमने यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया। ये देखिए जो हमारा पहले टूटा वाला था, ये देखिए जो हमारा ग्लास पहले टूट चुका था, यहाँ भी आप देख सकते हैं जो ख़राब वाला है, ये देखिए। तो इसको हम रखते हैं एक साइड पे। तो यहाँ पे हमारा ये जो टच है, जो नया वाला टच है, वो हमने इसको यहाँ पे लगा दिया, और इसके ऊपर जो प्रोटेक्ट कवर है वो भी लगा दिया है। तो यहाँ पे अभी हम इसके करेंगे कनेक्शन। इसकी जो चिप है वो आपने कहाँ लगानी है वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए, LCD पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सेंड कर देंगे, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। टैबलेट हो चुकी है ऑन, ये देखिए। तो अभी हम चेक करते हैं कि इसका जो टच है वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा।
ब्लॉक हो चुकी है, ये देखिए। तो जी गाइस ये देखिए यहाँ पे हमारा टच बिल्कुल वर्क कर रहा है। तो जी गाइस आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें प्रेस, क्योंकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में हमें याद रखिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।